हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल ट्राई टू डिस्कस ई श्रम कार्ड भत्ता 2022। एब्सोल्युटली राइट, ई श्रम कार्ड 1000 रुपीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपने ई श्रम कार्ड बना लिया वो आपको इसके बारे में सारी जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए। साथ ही में ई श्रम कार्ड भत्ता के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको आज की वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ आ जाएगा। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं और अगर आपने 31 दिसंबर 2021 से पहले ई श्रम कार्ड अपना बना रखा था तो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से 500 या 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए होंगे, जिसे हम ई श्रम कार्ड भत्ता कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने यूपी में तो ट्रांसफ़र कर दी, अब बारी है उत्तराखंड की। चलिए न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार। ई श्रम कार्ड 1000 रुपीज़, यदि आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बना रखा है तो आपने भी यूपी सरकार की ओर से भरण पोषण भत्ता के तहत दिए जाने वाले 2000 रुपये की राशि की पहली किस्त यानी ई श्रम कार्ड की पहली किस्त 1000 रुपये आपके खाते में आ गई होगी। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के खातों में भरण पोषण भत्ता के तहत पहली किस्त 1000 रुपये जमा करवाई गई है और शेष 1000 रुपये की राशि फरवरी और मार्च के महीने में 500-500 रुपये श्रमिकों के खाते में डाल दिए जाएंगे। तो यूपी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है ई श्रम कार्ड भत्ते की, साथ में अब बारी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सरकार ने अभी फिलहाल इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जैसे एक्शन लेगी इसके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म व महत्वपूर्ण लाभ क्या है, साथ ही में ई श्रम कार्ड से रिलेटेड बेसिक सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन 2022 के बारे में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संपूर्ण भारत के असंगठित गरीब मजदूर परिवारों के लिए ई श्रम कार्ड योजना 2022 का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गरीब मजदूर परिवारों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। ई श्रमिक कार्ड 2022 के लाभ लेने के इच्छुक भारतीय नागरिक श्रम और रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट ई श्रम.gov.in के माध्यम से ई श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड पोर्टल दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए फायदे के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन 2022 कराते ही मजदूरों को अपने आप केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन 2022 के इन्फॉर्मेशन है। ये ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विभाग का नाम है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सरकार का नाम है, भारत सरकार पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। लाभार्थी कौन होंगे, भारतीय श्रमिक होंगे। वर्ष 2022 या 2021 में भी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बना दिए हैं। लेवल क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर। श्रेणी क्या है, सरकारी योजना है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्थान भारत है और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ई श्रम.gov.in। चलिए अब बात कर लेते हैं ई श्रम कार्ड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ई श्रम कार्ड 2022 के अंतर्गत निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि सहित सभी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण करना है। ई श्रम पोर्टल सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने के उद्देश्य से भी आरंभ किया गया है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। ई श्रम कार्ड पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त करने में यह सहायक होगा। बात करेंगे ई श्रम कार्ड की एलिजिबिलिटी की, तो ई श्रम कार्ड का लाभ लेने के इच्छुक भारतीय नागरिक ई श्रम कार्ड की रजिस्ट्रेशन फॉर्म पात्रता विवरण की जानकारी यहाँ पे बताई गई है। आयु सीमा 16 से अगर 59 के बीच में आयु सीमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए। योग्यता कुछ भी नहीं है, भारत के मूल नागरिक होने चाहिए। ई श्रम कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोन से भी आप खुद से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। बात करेंगे ई श्रम कार्ड के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने आवश्यक हैं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण। अगर आपके पास वैसे इसमें ई श्रम कार्ड के लिए जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आधार ऑथेंटिकेटिंग आप कर सकते हैं तो ये इस आधार से ही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। जो भी आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होता है आप वहाँ से अपने आधार कार्ड के माध्यम से ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर कंपलसरी होना चाहिए। अब बात करेंगे हम ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण फायदे। ठीक है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए लाई जाने वाली किसी भी सुविधा का सीधा लाभ आपको मिल सकता है। भविष्य में पेंशन की सुविधा मिल सकती है, साथ में स्वास्थ्य
इलाज में आर्थिक सहायता आपको मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए उचित सुविधा दी जाएगी सरकार के द्वारा। सातवें मकान निर्माण में सहायक के तौर पर धनराशि प्रदान की जाएगी। सातवें बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का इसमें सीधा लाभ मिलेगा। सो अगर आप लोगों ने भी अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो प्लीज बना दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं, आप खुद भी फोन से बना सकते हैं और सारी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने खाते में पाएं। धन्यवाद।